एक बार की बात है, एक संत और शिष्य थे। वह दोनों हमेशा धर्म के प्रचार करने के लिए गांव-गांव घूमा करते थे। एक बार वह धर्म प्रचार के लिए किसी गांव में जाते हैं। वहां पहुंचते ही बहुत जोर से वर्षा शुरू हो जाती है। वह संत और शिष्य वर्षा में भीग जाते हैं। वर्षा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब वह दोनों तय करते हैं कि कुछ समय के लिए वह उसी गांव में रुक जाएंगे। वह वर्षा रुकने के बाद उसी गांव में एक कुटिया बनाकर रहने लगते हैं और रोज उस गांव में धर्म का प्रचार करने लगते हैं। उन संत का उपदेश उस गांव के लोगों को सुनना काफी अच्छा लगता था। वह रोज उनका उपदेश सुनने लगे थे। उस गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे और उन्हें भोजन इत्यादि देने के साथ साथ दान दक्षिणा भी दिया करते थे। वह लोग काफी दिन उस गांव में रह लिए थे। एक दिन वह संत अचानक अपने शिष्य से कहते हैं कि वत्स, हम यहाँ काफी दिन रह चुके हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। यह सुन वह शिष्य कहता है कि परंतु क्यों गुरुदेव, यहाँ कितना अच्छा है, यहाँ के लोग हमें कितना मान सम्मान देते हैं और वह यहाँ तो बहुत चढ़ावा भी चढ़ाते हैं, क्यों ना कुछ दिन और यहीं रह लिया जाए और बाद में चल लेंगे, तब तक और चढ़ावा इकट्ठा हो जाएगा। शिष्य की बात सुन वह संत उससे कहते हैं कि नहीं वत्स, हम पहले ही यहाँ बहुत दिन रह चुके हैं, अब हमें जाना चाहिए और हमें धन और वस्तुओं के संग्रह से क्या लेना देना है, यह सब हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है, न ही हमारे भीतर इसके लिए कोई मोह होना चाहिए। हमें तो केवल त्याग के मार्ग पर चलना है, सत्य के मार्ग पर चलना है, धन से हमें कोई मतलब नहीं है। इतना कहकर वह संत गुरु शिष्य से कहते हैं कि हम यहाँ से कुछ नहीं ले जाएंगे, जो कुछ भी है इसी जगह छोड़ दो और खाली हाथ चलो। गुरु का आदेश सुनकर वह शिष्य ने जो कुछ भी अपने पास एकत्रित किया था सब वहीं उसी कुटिया में छोड़ दिया। उसका मन तो था कि वह सब ले जाए, लेकिन गुरु की आज्ञा का अनादर नहीं कर सकता था। परंतु फिर भी जाते जाते उसने गुरु से छुपाकर कुछ सिक्के अपनी झोली में रख लिए। आगे जाते ही उन्हें मार्ग में एक नदी मिलती है। दरअसल वह दोनों जिस गांव की ओर जाना चाहते थे उसे एक नदी पार करके जाना पड़ता था। जब वह नदी के तट पर पहुंचे तो वहां एक नाव वाला उपस्थित था। उस नाव वाले ने संत से कहा कि यदि आप इस नदी को पार करना चाहते हैं तो मैं करवा सकता हूं, लेकिन मैं नदी पार कराने के लिए 2 रुपए लेता हूं। आप लोग साधु महात्मा हैं, इसलिए आपसे 1-1 रुपए ही लूंगा और नदी पार करवा दूंगा। उन संत शिष्य के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने उस नाविक से कुछ नहीं कहा और वहीं पर आसन लगाकर बैठ गए। परंतु शिष्य ने पैसे छुपा कर रखे थे और वह बिना गुरु के आज्ञा के निकाल नहीं सकता था और न ही उन्हें जल्दी कुछ बोल रहा था। उसे डर था कि कहीं गुरुदेव उसे डांट न दे और इसलिए उसने वो सिक्के नहीं दिए और वह भी गुरु जी के साथ बैठ गया, यह देखने के लिए कि बिना पैसे गुरुदेव कैसे इस नदी को पार करेंगे। परंतु वह संत गुरुदेव यह सोचकर आसन लगाकर बैठे थे कि शायद वह नाव वाला समय से ही उन्हें बिना पैसे के नदी पार करवाने के लिए मान जाए, या फिर उनका कोई भक्त आकर उन्हें धान दक्षिणा दे दे ताकि नाव में उस नाव वाले को भुगतान दे सकें। परंतु न तो कोई भक्त आता है
और न ही अब तक नाव वाले ने कुछ कहा था। संत और शिष्य को उस नदी के तट पर बैठे बैठे श्याम हो गई थी। वह प्रतीक्षा करते रहे कि शायद कोई सहायता मिल जाए, लेकिन गुरु जी का न तो कोई शिष्य आया और न नाव वाले ने बिना पैसे के नदी पार करवाने के लिए राजी हुआ। अंधेरा होने लगा था, लेकिन वह अब तक बैठे ही हुए थे। तभी नाव वाला उन्हें डराते हुए कहता है कि महात्मा, यहां अब अंधेरा होने लगा है, यूं इस तरह रात में यहां रुकना खतरे से खाली नहीं है। आप लोगों को यहां से निकलना चाहिए। आप दोनों के लिए यह उचित है और सुरक्षित होगा कि आप यहां से नदी पार करके अपने सही स्थान पर पहुंच जाए, या जहां से आए थे वहीं चले जाए, वरना कुछ भी हो सकता है। मैं भी रात में अपनी नाव लेके यहां से लौट जाऊंगा। आपके लिए बेहतर है कि आप भी चले जाएं। उस नाविक के मुंह से जैसे ही शिष्य खतरे का नाम सुनता है, वह बहुत डर जाता है और घबरा कर तुरंत अपनी झोली से कुछ सिक्के लेकर नाव वाले को दे देता है और कहता है कि आप जल्दी से हमें नदी पार करवा दीजिए। सिक्के लेकर वह उन्हें अपनी नाव में बैठा लेता है और नदी पार करवा देता है। नदी पार करवाने के बाद संत गुरु शिष्य से पूछते हैं कि तुमने गांव का चढ़ावा क्यों ले लिया? मैंने तुम्हें सब कुछ छोड़ देने के लिए कहा था, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी, क्यों? तब वह शिष्य कहता है कि गुरुजी, यदि वह सिक्के मेरी झोली में न होते तो हम दोनों कष्ट में पड़ जाते। रात का समय है, कुछ भी हो सकता था। इन्हीं सिक्कों ने हमारी रक्षा की है। शिष्य की बात सुन संत गुरु मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि वत्स, जब तक यह सिक्के तुम्हारी झोली में थे तब तक हम कष्ट में ही थे, और जैसे ही तुमने उन्हें बाहर निकाला हमारा काम बन गया। यही मैं तुम्हें समझा रहा था कि त्याग में ही सुख है। तुमने सिक्कों का त्याग कर दिया, उसका परिणाम तुम्हारे सामने है। यह कहकर संत ने बाकी के सिक्के किसी गरीब को दान कर दिए और आगे की ओर चले गए। तो दोस्तों, आपने क्या सीखा इस कहानी से, कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।